नमस्कार दोस्तों, तो कुछ महीने पहले ही इंडिया पे लॉन्च हुआ था आईक्यू 7 लीजेंड, जो कि एक बहुत ही बढ़िया गेमिंग स्मार्टफोन है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक बहुत ही बढ़िया ऑलराउंड स्मार्टफोन है। तो आईक्यू 7 लीजेंड लॉन्च हुआ था, तो मतलब गारंटीड आईक्यू 8 लीजेंड देखने को मिलेगा। तो आज एक्चुअली चाइना पे दो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, उसमें से एक का नाम है आईक्यू नियो 5 एसी, जो कि इंडिया पे कहा जा रहा है कि आएगा आईक्यू 8 नाम से, और जो सेकंड वाला वेरिएंट उसका नाम है आईक्यू नियो 5 एस, और कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन एक्चुअली इंडिया पे आएगा आईक्यू 8 लीजेंड नाम से। इस वीडियो में बात करेंगे ये जो लीजेंड वाला एडिशन, इसमें आपको क्या डिजाइन, क्या स्पेसिफिकेशन, कब तक लॉन्च होगा, किस प्राइस में लॉन्च होगा, ये सब कुछ के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे इसके डिजाइन के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये जो स्मार्टफोन एग्जैक्टली ऐसे तीन कलर में आएगा, एक तो येलो, दूसरा ब्लैक और तीसरा ब्लू। इस स्मार्टफोन का थिकनेस होगा 8.39 मिलीमीटर और इसका वेट होगा 196 ग्राम। डिस्प्ले के मामले में इसमें आपको मिलेगा, और पहली एक चीज मैं कह देता हूँ, इसका जो डिस्प्ले आईक्यू 8 लीजेंड का एक बहुत ही बढ़िया सेलिंग पॉइंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा 6.62 इंच फुल एचडी प्लस 120Hz ओलेड डिस्प्ले। इसमें आपको मिलेगा 1000Hz का टच सेंसिटिविटी, और ये एक्चुअली दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन बनने वाला है जिसमें आपको इतने ज्यादा हर्ज का टच सेंसिटिविटी मिलेगा। और टच सेंसिटिविटी रेट जिसमें जितना ज्यादा होता है वो स्मार्टफोन गेमिंग में आपको सबसे ज्यादा मदद करता है। इसके डिस्प्ले का मैक्सिमम ब्राइटनेस है 1300 निट्स। इसमें आपको ऑलमोस्ट 91% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा। इसका जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो वो एक्चुअली है 6:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो, और ये जो डिस्प्ले एक्चुअली HDR10+ सर्टिफाइड डिस्प्ले। तो मतलब सीधे शब्दों में ये चीज़ कह सकते हैं, इसका जो डिस्प्ले वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। प्रोसेसर की अगर बात करें, इसमें आपको पिछले बार की जैसा स्नैपड्रैगन 888 वाला प्रोसेसर मिलेगा, और उसके साथ आपको आईक्यू का बेहतरीन कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा। कैमरे की अगर बात करें, इस बार आपको मिलेगा 48, 13 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। ये जो 48 मेगापिक्सल सेंसर, ये एक्चुअली है सोनी IMX598 सेंसर। ये जो स्मार्टफोन इस बार टोटल 3 वेरिएंट पे हमें देखने को मिलेगा, 8 120GB, 8 256GB और एक 12 256GB वेरिएंट पे आएगा। इसका रैम का क्वालिटी होगा LPDDR5 और इसका मेमोरी का क्वालिटी होगा UFS 3.1, और जितना लग रहा है इसके साथ आपको कोई भी SD कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा, और इस वेरिएंट के साथ आपको 4GB तक का वर्चुअल रैम का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। बैटरी अगर बात करें, इस बार आपको मिलेगा 4500mAh बैटरी, और उसके साथ 66W का चार्जर, और जो कनेक्टिविटी वो आपको मिलेगा USB Type-C। मतलब आप इस चार्जर की मदद से इस बैटरी के 70% को ऑलमोस्ट 18 मिनट के अंदर चार्ज दे पाएंगे। ऑडियो की अगर बात करें, इस बार आपको मिलेगा डुअल स्टीरियो स्पीकर, लेकिन ये जो स्पीकर इसका क्वालिटी डॉल्बी एटमोस होगा या फिर DTS HD होगा, इसके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। अगर से कुछ बाकी के फीचर के बारे में बात करें, तो आपको इसमें एंड्रॉयड 11 मिलेगा, इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, Z-एक्सिस वाइब्रेशन मोटर भी होगा, और 3.5mm जैक भी हमें देखने को मिलेगा। तो अब जो सबसे मेन चीज़, ये जो आईक्यू 8 लीजेंड वाला जो स्मार्टफोन आने वाला है, कब लॉन्च होगा, किस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होगा, तो अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन मिला है, फेब्रुअरी महीने से पहले इंडिया पर लॉन्च होने के ना के बराबर चांस है। तो मतलब ये चीज़ समझिए, फेब्रुअरी महीने के आसपास ही लॉन्च हो जाएगा। और अगर उसके प्राइस के बारे में बात करें, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इसका 8 120GB का प्राइस है चाइना पे 2699 युआन। मतलब जब स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च होगा, प्राइस होगा ऑलमोस्ट 31,000 रुपीज के आसपास। इसका जो 8 256GB वेरिएंट वो चाइना पे लॉन्च हुआ है 2899 युआन पे, मतलब जब इंडिया पे लॉन्च होगा उसका प्राइस होगा 33,000 रुपीज के आसपास। और इसका जो 12 256GB वेरिएंट वो चाइना पे लॉन्च हुआ है 3199 युआन पे, मतलब जब वो स्मार्टफोन इंडिया पे आएगा इसका प्राइस होगा 36,000 रुपीज के आसपास। तो अभी हर वीडियो का जैसे इस वीडियो में आपको कहूँगा कि क्या ये जो स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, पिछले बार जो लॉन्च हुआ था आईक्यू 7 लीजेंड, अभी अमेजोन पे अगर आप देखेंगे तो वो आपको मिलेगा ऑफर मिला के, मतलब अमेजोन का डायरेक्ट कैशबैक लेके वो आपको मिलेगा एग्जैक्ट 37,000 रुपीज़ पे। और ये जो स्मार्टफोन वही इंडिया पे लॉन्च होने वाला है वही 31 से 33,000 रुपीज के आसपास। तो मतलब पिछले बार के मुकाबले इस बार एक्चुअली प्राइस में आपको 4,000 कम देखने को मिलेगा। दूसरा, इसका डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, लेकिन जो कैमरा का सेटअप उसमें थोड़ा सा इधर उधर मिलेगा।
पिछले बार आपको मिला था 13 और 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, इस बार आपको मिल रहा है 13 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा। और एक छोटा सा डिफरेंस है, पिछले बार आपको मिला था 300 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, इस बार आपको मिल रहा है 1000 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट। तो मतलब दोनों बार के स्मार्टफोन के बीच में बस ये छोटे मोटे आपको दोनों चेंजेस देखने को मिलेगा, इसके लिए आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो मतलब वीडियो का आखिर मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आपके पास ऑलरेडी IQ7 लीजेंड नाम का स्मार्टफोन है और अगर आप सोच रहे कि IQ का नेक्स्ट वाले स्मार्टफोन मतलब IQ8 लीजेंड में शिफ्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं। आपके पास जो 7 लीजेंड वाला स्मार्टफोन है डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है कैमरे के मामले में और परफॉर्मेंस के मामले में। मतलब ये जो नया वाला फोन लॉन्च हुआ है पिछले बार स्मार्टफोन के मुकाबले कोई ज्यादा वैल्यू आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो ये जो स्मार्टफोन उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया होगा जो कि पहली बार IQ का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, वही 35,000 रुपीज के आसपास खर्चा करना चाहते हैं और उन्हें चाहिए स्नैपड्रैगन 888 वाला सबसे बढ़िया गेमिंग स्मार्टफोन, उन लोगों के लिए जो IQ8 लीजेंड सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा। वैसे भी आप मुझे जो कमेंट में जरूर बताना कि ये जो IQ8 लीजेंड डेफिनेटली इंडिया पे तो लॉन्च होने वाला है, तो जब भी लॉन्च होगा तो क्या आप इसे लेना चाहेंगे या फिर उस प्राइस रेंज में स्नैपड्रैगन 888 वाला कोई दूसरा फोन लेना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जो कमेंट में कहना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।